हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू प्रेप आयर्स मेरा नाम है मयूरी भागवानी आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्वेंटी फर्स्ट डिसम्बर के द हिंदू न्यूज़पेपर को सो so, द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं दैट वी आर लाइव नॉट एंड उसके बाद हम शुरू करेंगे ओके ओके सो वी आर स्टार्टिंग इट नाउ सॉरी वी कुड नॉट स्टार्ट इट एट एट क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो चलो ठीक है ट्वेंटी फर्स्ट दिसंबर की आज हम द हिंदू न्यूज पेपर को एनालाइज करने वाले हैं सो so, ये द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले टूडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी फोकस जस्ट फोकस ऑन वॉट योर ड्रीम वॉज वॉट योर गोल इज जस्ट फोकस ऑन दैट एवरीथिंग आसपास की जो आसपास जितनी भी चीजें हैं सब भूल जाओ हाँ ये जरूरी है कि जब आप अपने आप को पूरी तरह से फोकस कर रहे हो किसी भी अपने गोल की तरफ किसी भी डेली टारगेट की तरफ उसको कंप्लीट करने के बाद अवॉर्ड योर सेल्फ गिव योर सेल्फ ब्रेक्स लेकिन जब पढ़ रहे हो जब अपनी गोल की तरफ काम कर रहे हो तो सिर्फ वो चीज करो ठीक है डू नॉट मल्टी क्योंकि मल्टी में कई बार क्या होता है इफिशियंसी घट जाती है तो फोकस ऑन वन टास्क एंड कंप्लीटेड ठीक है हजार चीजों की तरफ हमको ध्यान नहीं देना है सो विद दिस पॉजिटिविटी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ओनली डेज 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 आर आर लेफ्ट फॉर सो नॉट वेरी वेरी मच बहुत सारे ये नहीं है है तो आपको हमेशा फोकस करना है कि आपका एक एक दिन कितना कीमती है ओके okay. आज गवर्नमेंट से जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन के बारे में इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन में हम देखेंगे बुलवाक बुलवाक तो ये बेसिकली एक एडिटोरियल है द हिंदू का जो टॉक करता है जो बात करता है इंडिया और सेंट्रल एशियन रिलेशन के बीच में ठीक है तो यहाँ पे इसकी बात करेंगे इसके अलावा बिम्स्टिक की बात करेंगे हम इसके अलावा इंडिया आउट कैंपेन तो ये कैंपेन क्या है किस तरह से ये मालदीव में इंडिया के रिलेशन को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है इसको देखेंगे हेल्थ में देखेंगे पैरवो वायरस सॉरी ये साइरस लिख दिया मैंने ये पैरवो वायरस है ओके ऑलराइट right. इसके बाद यहाँ पे पॉलिटी में हम देखेंगे एक एडिटोरियल था द हिंदू में जिसमें मुझे बहुत, बहुत सारे पॉइंट्स अच्छे लगे सस्टेन अटैक ऑन फेडरलिज्म ना ऐसे एडिटोरियल्स को पढ़ते टाइम हमको कितना कॉशियस रहना पड़ता है ये भी मैं आपको इस आर्टिकल में बताऊंगी और जी थ्री में हम हमारे पास कुछ भी नहीं है जी में को डिस्कस करेंगे आज, ओके, तो देखो सबसे पहला है सिक्स एडिशनल सीट्स फॉर जम्मू वन फॉर कश्मीर प्रपोज तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर का डीलिमिटेशन होने वाला है और ये प्रपोज किया गया है कि जम्मू कश्मीर जो कि अब एक यूनियन टेरिटरी है ठीक है टू 19 में इसको यहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है ठीक है पहले ये एक स्टेट हुआ करता था आर्टिकल 370 को स्क्रैप करने के बाद इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है जिसमें लद्दाख को अलग किया गया है ठीक है जम्मू कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी विध लेजिस्लेटिव असेंबली ठीक है तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ वाली ये यूनियन टेरेटरी जैसे की डेली और पुडुचेरी भी है ओके अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये यह जम्मू कश्मीर की डिलिमिटेशन हुई ठीक है इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ डीलिमिटेशन होने के बाद इसकी सीट्स जो थी इसको बढ़ाया कम किया गया जो भी था ये अभी हम देखेंगे किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है तो अभी क्या हुआ है कि जम्मू के लिए एक सीट सॉरी जम्मू के लिए छह सीट्स और कश्मीर के लिए एक और सीट यहाँ पे प्रपोज की गई है ठीक है तो ये चीज यहाँ पे है उसके अलावा एस सी एस टीस की सीट भी यहाँ पे रिजर्व सीट भी प्रपोज की गई है और राइट तो हम ये देखें उससे पहले हम डिलिमिटेशन के बेसिक समझते हैं फिर हम वापिस आते हैं तो देखो डिलिमिटेशन क्या होता है वॉट इज डिलिमिटेशन तो डिलिमिटेशन का आसान भाषा में अगर मैं समझाऊंगा

राजस्थान में कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं मान लो ये ये सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी अब डिलिमिटेशन कमीशन क्या करेगा डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन देखो एक क्या फंडा होता है एम क्या होता है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पॉपुलेशन है लगभग सेम रहे पॉपुलेशन रेट जो है वो लगभग सेम रहे तो ओवर द टाइम ये पॉपुलेशन बढ़ती बढ़ती घटती रहती है तो इस जो कॉन्स्टिट्युएंसी है इसकी बाउंड्रीज को रिसेटल किया जाता है जैसे कि मान लो अब डिलिमिटेशन यहाँ पे हुआ तो ये इस तरह से पहली कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई इस तरह से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई इस इस तरह से तीसरी बन गई इस तरह से चौथी बन गई तो ये जो है ना ये दिखाता है कि ये जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन रही है इसमें अब पॉपुलेशन एकदम लगभग जो रेट है वो सेम है तो डिलिमिटेशन इस कांसेप्ट पे काम करता है ठीक है तो बाउंड्रीज जो है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की उसको चेंज करना उसको फिक्स करना ये सब काम होता है डिलिमिटेशन कमीशन का ओके okay. तो यहाँ पे कौन कैरी आउट करता है तो डिलिमिटेशन को एक पावरफुल कमीशन अंडरटेक करती है और इसका नाम होता है डीलिमिटेशन कमीशन या फिर बाउंड्री कमीशन नाउ ये पावरफुल क्यों है क्योंकि देखो इलेक्शन मैटर से रिलेटेड चीज है अब इलेक्शन से रिलेटेड चीज है तो ये पावरफुल होना ही पड़ेगा वरना यहाँ पे बहुत ज्यादा वल्नरेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी ठीक है अब देखो आप ये समझो इसका इसका मीनिंग क्या है इसके मायने क्या है डीलिमिटेशन होने के क्यों जम्मू कश्मीर में जो डिलिमिटेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट इतना अपोजिशन खड़ा हो रहा है अपोजिशन पार्टी उसके के अगेंस्ट खड़ी हो रही है ऐसा क्यों तो देखो यहाँ पे जब भी डिलिमिटेशन हो मान लो कि पहले इस तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ थी ठीक है ये इस तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी अब क्या होता था कि यहाँ पे एक तरह की पॉपुलेशन होती थी जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव के लिए बहुत फायदेमंद होती थी वोट बैंक इनका काफी ज्यादा इस पॉपुलेशन से आता था अब क्या हुआ डिलिमिटेशन हुआ और ये जो थी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी बन गई ठीक है ये ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, को यहाँ पे इस तरह से बना दिया गया तो यहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी सी चेंज हो गई ठीक है ये देखो ये जो पॉपुलेशन यहाँ वाली है वो चेंज हो गई तो यहाँ पे वोट बैंक पे असर पड़ सकता है ना जो कैंडिडेट है उसके तो यहाँ पे इसीलिए ये जो है इसको पावरफुल होने की जरूरत है कमीशन को वरना फिर ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी इलेक्शन का मैटर है तो पोलिटिकल पार्टीज कितनी ज्यादा पावरफुल है कितने ज्यादा कैंडिडेट्स पावरफुल हैं तो ये सारी चीजें नहीं हो पाती अगर ये पावरफुल नहीं होती और इसीलिए अपोजिशन भी फेस करने को देख रहे हो आप अपोजिशन भी इसलिए फेस हो रहा है यहाँ पे अपोजिशन

अब कम्पोजिशन की बात करें तो डीलिमिटेशन कमीशन एक्टा टू थाउजेंड टू का इसमें कमीशन के पास तीन मेंबर्स होने चाहिए ये एक्ट एक बोलता है हर डीलिमिटेशन कमीशन के पास कौन कौन से तीन मेंबर्स पहला तो है कोई सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एस चेयरपर्सन तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या फिर सर्विंग जज होंगे पहले तो चेयरपर्सन दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर

हर सेंचस के बाद एक डीलिमिटेशन एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा जिसके हिसाब से डिलिमिटेशन कमीशन बनती है और उस हिसाब से फिर वापस से डिलिमिटेशन होता है तो ये अभी लास्ट लास्टिस का हुआ था 2011 वाला और अभी हम जो न्यूज देखेंगे ना जिसमें हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन हो रहा है उसमें भी जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो ये कह रही है कि हम यहाँ पे जो भी डिलिमिटेशन कर रहे हैं दैट इज इन अकॉर्डेंस विद टू थाउजेंड इलेवन ओके उसके अलावा आर्टिकल वन सेवेंटी है तो ये आर्टिकल नंबर बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखना ठीक है इसको एक कुछ ऐसा कुछ ट्रिक बना

ठीक है तो अटॉर्नी जनरल के ऊपर एक क्वेश्चन आया था पॉलिटी में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था लेकिन उसमें मैंने देखा था कि कई सारे स्टूडेंट्स ने आर्टिकल सेवेंटी सिक्सन ही नहीं किया तो देखो ये तो बहुत प्राइमरी चीज है ना जब आप पॉलिटी का कोई कोई आंसर लिख रहे हो तो तो उसमें अगर सीधे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पूछ ली गई तो आपको यहाँ पे उसका आर्टिकल नंबर तो करना चाहिए तो वही तो आपको एज दिलाएगा बाकी सब ने सबने किया आपने नहीं किया तो ये काम तो नहीं चलेगा इसीलिए ये आर्टिकल्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं ठीक है तो आर्टिकल एटी टू जो है दिस टॉक्स अबाउट द डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी को भी नया, जो है, मिल सकता है, हो सकती है याद रखना अब आते हैं तो देखो यहाँ पे न्यूज ये एक्सरसाइज हो रही है जम्मू कश्मीर में तो यहाँ पे पहले तो क्या किस तरह से यहाँ पे डिलिमिटेशन हुआ है तो पहला डिलिमिटेशन जो यहाँ पे हुआ था दैट वाज अराउंड 1951 जहाँ जहां कि 25 असेंबली कॉन्स्टिट्य बनाई गई थी स्टेट में इसके बाद फर्स्ट फुल फ्लैज डीलिमिटेशन कमीशन आई 1981 में तो 1981 में पहली फुल फ्लैजडी कमीशन आई इसने अपनी रिकमेंडेशंस जो थी 1995 में दी सबमिट की ऑन द बेसिस ऑफ नाइन एटी वन तो देखो 1981 में फुल फ्लैज डीलिमिटेशन कमीशन आई थी और 1995 में इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी ठीक थी। है उसके बाद से यहाँ पे कोई डीलिमिटेशन नहीं हुआ उसके बाद अब ट्वेंटी में हुआ जो ट्वेंटी में जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया टू थाउजेंड नाइनटीन का उसके बाद से यहाँ पे डिलिमिटेशन हुआ ठीक है यहाँ पे जो था टू थाउजेंड इलेवन के बेसिस पे टू थाउजेंड इलेवन के सेंच के बेसिस पे यहाँ पे ऐड करने की बात चल रही है कि कुछ जो यूनियन टेरिटरी है उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐड की जाएगी एस सी एस टी को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा अब जो टोटल बात चल रही है वो नाइन्टी सीट्स सीट की चल रही है कि नाइन्टी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स बनाई जाए जम्मू कश्मीर में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो नाइनटी बनाई जाए फ्रॉम द प्रीवियस एटी थ्री ओके okay. और इसके अलावा ट्वेंटी फोर सीट जो है वो पीओके वाले रीजन के लिए भी रिजर्व रखी गई है जो कि अभी तक वैकेंट है ठीक है तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है नाउ न्यूज आर्टिकल को समझो कि यहाँ पे कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की जो डिलिमिटेशन कमीशन है उन्होंने प्रपोज किया है कि हम छः सीट्स नहीं बना रहे हैं जम्मू के लिए एक सीट बना रहे हैं कश्मीर के लिए और कुल मिला के सिक्सटीन सीट्स एस सी एंड एस टीज के लिए बना रहे हैं इस सिक्सटीन में से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि नाइन सीट्स जो है दे आर फॉर एस एंड

0.8 लाख मतलब अभी जो कश्मीर की पॉपुलेशन है ये 68 लाख है लगभग और जम्मू कश्मीर जो जम्मू है सॉरी जम्मू की जो पॉपुलेशन दैट इज अबाउट 53 लाख तो ये दोनों डिफरेंस है इनके बीच में ओके अब यहाँ पे ये समझो कि पहले जब ये एक्ट जो 370 था आर्टिकल ये स्क्रैप नहीं किया गया था तब यहां पे 87 सीट्स हुआ करती थी पूरे जम्मू कश्मीर में अब ये 90 मेंबर्स हो जाएंगे अगर ये पास हो जाता है तो ये वाला जो प्रपोजल है ये पास हो जाता है तो ओके okay, तो यहाँ पे ये पूरा डिलिमिटेशन से रिगार्डिंग हमने तो समझा दिया था ओके okay, आगे बात करते हैं हम तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारा इशू है अ स्ट्रेटेजिक बुलवाक तो देखो स्ट्रेटेजिक बुलवाक के बारे में ये एक आर्टिकल है ना व्हाट इज द आर्टिकल ऑल अबाउट इट इज ऑल अबाउट सेंट्रल एशियन रिलेशंस ऑफ सेंट्रल एशियन रिलेशन विद इंडिया तो देखो सेंट्रल एशियन कंट्रीज की हमने कल भी बात की थी दिस मैप इज डिस्टोर्टेड दिस शुड बी लाइक दिस ओके तो देखो यहाँ पे हमने सेंट्रल एशियन कंट्रीज की कल भी बात की थी uh, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान किर्गिस्तान और तजाकिस्तान कल हमने देखा था कि पांच कंट्रीज जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज उनके फॉरेन मिनिस्टर्स इंडिया में आए हैं और इंडिया और ये पांच कंट्रीज मतलब कुल मिला के छह कंट्रीज ने कुछ कुछ रिजोल्यूशन लिए हैं तो इसी का थोड़ा सा डिटेल्ड आर्टिकल यहाँ पे है देखो यहाँ पे इंडिया और सेंट्रल एशिया का डायलॉग हुआ ओके पांचों सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक्स uh, हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव आए इंडिया में और यहाँ पे हमने कई सारी चीजें कही अफगानिस्तान के बारे में बात करी और भी कई सारे इश्यूज के बारे में बात करी ट्रेड के बारे में बात करी करिए अब देखो यहाँ पे हमारी सेंट्रल एशिया के साथ जो रिलेशन बढ़ रहे हैं उसको हम किस तरह से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपनी बातों में तो देखो सबसे पहला की सबसे पहला कि यहाँ पे अभी जो पिछले महीने यहाँ पे एन जो है हमारे अजीत डोवाल जी उन्होंने यहाँ पे इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ एक सिक्योरिटी डायलॉग किया था जिसमें अफगानिस्तान इशू की बात की थी अफगानिस्तान के रिगार्डिंग एक डायलॉग किया था इस महीने सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ पांचों सेंट्रल एशियन कंट्रीज और एक इंडिया ने भी यहाँ पे फिर से एक थर्ड इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग किया है और इसके अलावा अगले महीने जनवरी में हमने जो इंडिया है इन्होंने रिपब्लिक डे पे इंडिया ने जनवरी में रिपब्लिक डे पर पांचों सेंट्रल एशियन कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स को लीडर्स को अपने इन्वाइट किया है तो देखो ये तीन महीने कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं कि सेंट्रल एशिया के साथ हम इंगेज हैं और राइट अब यहाँ पे हम ये बात नहीं करेंगे कि कल क्या क्या बात हुई एक ब्रॉडर रीजनल कं कंसेंशनस बना ओवर अफगानिस्तान कि हमको इनको ह्यूमैनिटेरियन एड देनी है उसके बाद हमने यहाँ पे जो टेररिज्म है रेडिकलाइजेशन है नार्कोटिक्स रेफ्यूजीज इन सब के बारे में भी बात की ठीक है अब हमारा देखना यह है कि अफगानिस्तान जहां तालिबान आ चुका है क्या यहाँ पे हम सब एक ही पोजीशन पे हैं क्या हम सब एक ही लाइन पे हैं तो देखो इंडिया ने अभी तक तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है हालांकि तालिबान के डेलीगेट्स के साथ दो बार यहाँ पे मीटिंग जरूर हुई है इसके अलावा उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान देखो ये जो दो, दोनों कंट्रीज हैं इन दोनों ने यहाँ पे अपने मिशन स्टार्ट कर दिए हैं काबुल में ठीक है तो यहाँ पे तालिबान को काफी हद तक इन्होंने रिकोगनाइज कर लिया है ओके उसके बाद यहाँ पे ट्रेड जो है सेंट्रल एशिया तो देखो जो ट्रेड है सेंट्रल एशिया और आ, इंडिया के बीच में वो लगभग दो बिलियन डॉलर से भी कम है ठीक है और इसमें भी मेजोरिटी ट्रेड जो है वो कजाकिस्तान से आने वाला यहाँ पे जो ऑयल है उसके कारण हो रहा है

देन यहाँ पे देखो यहाँ पे सेंट्रल एशियन टाइज की बात अगर हम करें तो इसको स्ट्रेंथन हम कर रहे हैं हम अपने एक तरह से देखा जाए तो ट्रेडिशनल हिस्टोरिक और कल्चरल लिंक्स को रिवाइव कर रहे हैं देखो ये इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जियो अगर हम देखें तो सेंट्रल एशिया को हमने एक बहुत लंबे समय तक निगलेक्ट किया हुआ है ठीक है जिसके कारण क्या हुआ है कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनसे एक हमारे हमारे और उनके बीच में एक दूरी आ गई थी जिसके का किसके किस कारण एक तो देखो रशिया जो है उसका यहाँ पे बहुत इन्वॉल्वमेंट है चाइना का

ओके okay, तो पहले हम इनको निग्लेक्ट करते थे अब हम इस ग्रेट गेम की बात करें तो सेंट्रल एशिया में देखो बहुत सारी कंट्रीज जो हैं उनके इंटरेस्ट लगे हुए हैं छुपे हुए हैं जैसे कि हम बात करें तो देखो जैसे कि हम बात करें कि जैसे रशिया है रशिया का यहाँ पे कंटिन्यूअस्ल इन्फ्लुएंस है ठीक है जो जो सेंट्रल एशियन रीजन वाली कंट्रीज हैं उनके गवर्नमेंट के ऊपर कंटिन्यूअस्ली रशिया का इन्फ्लुएंस बना हुआ है उसके अलावा चाइना जो है ये सीपेक के थ्रू सॉरी ओबोर के थ्रू वन बेल्ट वन रोड के थ्रू यहाँ पे अपना इनिशिएटिव जो है वन बेल्ट वन रोड वाला इसके थ्रू यहाँ पे ट्रेड बढ़ा रहा है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है तो इसकी तरफ भी इंक्लिनेशन लाता ही है सेंट्रल एशियन कंट्रीज का उसके अलावा यूएस का जब से अफगानिस्तान से विड्रॉल हुआ है जब से यूएस ने अफगानिस्तान से विड्रॉल किया है तब से यूएस यहाँ पे

उनका भी हम कर और साथ के साथ हमारा जो एक जियो पॉलिटिक्स है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज में साथ में जियो इकोनॉमिक तो होगा क्योंकि हमको ट्रेड तो बढ़ाना ही पड़ेगा okay, और ऐसा करना जरूरी भी है क्योंकि ये सारी कंट्रीज भी एक्सट्रीमिज्म और के अगेंस्ट है ये सारी कंट्रीज हमारे लिए एक एनर्जी का सोर्स हो सकती है ये सारी कंट्रीज हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पोटेंशियल मार्केट की तरह आ सकती है सामने तो इसीलिए सेंट्रल एशिया बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए ओके तो ये था पूरा आर्टिकल रिगार्डिंग सेंट्रल एशिया आगे बात करते हैं Right. तो देखो यहां पे सस्टेन अटैक ऑन फेडरलिज्म तो ये एक और द हिंदू का आर्टिकल था ना देखो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसे आर्टिकल्स को पढ़ने के ये जो है ना, आपको से ही समझ में आ ये आपको एक तरह से समझा रहा है कि ये जो है गवर्नमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट आर्टिकल लिखा हुआ है लेकिन हमको यहाँ पे पोलिटिकली न्यूट्रल होना है kind of of kind of आप जा रहे हैं, तो यू हैव टू बी पोलिटिकल न्यूट्रल ओके okay. और आपके आंसर्स में ये दिखना चाहिए ऐसा नहीं कि हम बीजेपी के लिए लड़ रहे हैं या कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं करना है हमको ठीक है तो देखो बेसिकली क्या है हमको ऐसे आर्टिकल्स में क्या ध्यान रखना है ये आर्टिकल्स जो है ना ये आपको क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स दे रहे हैं ठीक है जैसे अगर मैं बात करती हूँ फेडरलिज्म के ऊपर तो तो जो क्रिटिसिज्म वाला पार्ट है वो आपको इस आर्टिकल से मिल जाएगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप यही लिख आओ आपको पॉजिटिव ट्रेंड भी लिखना है तो आपको पॉजिटिव ट्रेंड खुद से प्रिपेयर करना रहेगा ओके अब पहले बात करते हैं फेडरलिज्म की तो देखो फेडरलिज्म जो है यहाँ पे फेडरलिज्म का बेसिक मतलब क्या है आसान भाषा में मैं समझाऊं तो देखो बेसिकली फेडरलिज्म का मतलब है हमारा एक जनरल नोशन क्या होता है ये है सेंटर या यूनियन और ये बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स हैं ठीक है अब हमारा एक जनरल नोशन क्या होता है कि सेंटर जो है वो ऊपर आता है और उसके नीचे छोटे छोटे स्टेट्स आते हैं ठीक है ऐसा हमारा जनरल नोशन रहता है लेकिन ये नोशन गलत है फेडरलिज्म ये कहता है कि सेंटर और स्टेट ये दोनों किसी कोई भी एक दूसरे के सबॉर्डिनेट नहीं है ये दोनों ही अपनी पावर्स जो है ये डिराइव करते हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही दोनों अपनी अपनी पावर्स डिराइव करते हैं इसीलिए आप ये नहीं कर सकते कह सकते कि स्टेट्स आर सबऑर्डिनेट टू सेंटर ये आप नहीं कह सकते ओके ये यहाँ पे समझाया गया है फेडरलिज्म का बेसिक मीनिंग ये होता है मतलब कि इसका बेसिक इशारा ये है कि स्टेट्स के पास भी पावर्स होनी चाहिए फेडरलिज्म ये बोलता है हमारा देश कैसा है क्वासी फेडरल टाइप का हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्यों क्योंकि हमारा एक इंक्लीनेशन है टूवर्ड्स यूनियन ठीक है आपने ये पॉलिटिक के लक्ष्मीकांत वाले चैप्टर में देखा होगा जो फेडरलिज्म वाला चैप्टर है उसमें आप देखोगे कि यूनियन की तरफ हम थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन है कैसे इंक्लाइन है वो आप लक्ष्मीकांत में पढ़ना पॉलिटी में एक चैप्टर दिया है फेडरलिज्म उसमें आप देख पाओगे ठीक है अब हम आते हैं आर्टिकल के ऊपर मैंने एक जस्ट एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया अबाउट द फेडरलिज्म ओके अब देखो इसमें क्या क्या पॉइंट्स बताए हुए हैं फेडरलिज्म क्यों हमारे देश में खतरे में है तो सबसे पहली चीज इन्होंने बताई है कि पेंडेमिक के पहले तो पैंडेमिक के पहले जो था कुछ ऐसी स्टेप्स लिए गए, गए गवर्नमेंट के द्वारा जिसके कारण स्टेट्स की जो पावर थी वो कम हो गई ठीक है या फिर स्टेट्स का जो फिजिकल फेडरलिज्म था वो अफेक्ट हुआ है कैसे देखो एक तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो जो थी उसमें स्टेट्स का शेयर है वो बढ़ा दिया गया यूजुअल शेयर क्या होता है सिक्सटीज टू फोर्टी होता है लेकिन इन्होंने यहाँ पे स्टेट्स का जो शेयर था वो बढ़ा दिया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में मतलब कि आप स्टेट्स को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके बाद फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन आई उसमें भी यहाँ पे जो डिविजिबल पूल था अ जो पैसा स्टेट्स को मिलना था वो कम कर दिया गया इसके बाद यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन हुआ बिना स्टेट्स की रिकमेंडेशन लिए बिना स्टेट्स से कंसल्ट किए हुए डीमोनेटाइजेशन हो गया ठीक है इसके बाद यहाँ पे जीएसटी बन गया जीएसटी इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया यहाँ पे भी स्टेट से कोई यहाँ पे कंसल्टेशन किया नहीं गया था ज्यादा इसके बाद यहाँ पे जीएसटी कंपनसेशन जो प्रॉमिस किया गया था कि जीएसटी कॉम्पनसेशन दिया जाएगा क्यों क्योंकि जीएसटी आने के बाद जो इसके बदले यहाँ पे सेंटर ने ये कहा कि आप ये सब खत्म कर लो आप जीएसटी इंप्लीमेंट कर लो उसके बदले हम क्या करेंगे आपको एक कॉम्पनसेशन देंगे लेकिन ये कॉम्पनसेशन में बहुत डिले हो रहा है इसके अलावा एक स्कीम लाने की बात चल रही है वन लाने की बात नहीं है ऑलमोस्ट आई चुका है तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लाने की बात चल रही है तो ये सारी जो स्कीम है ना ये एक तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पे स्टेट्स की पावर को कम कर रहे हैं या फिर स्टेट्स के ऊपर जो फिजिकल बर्डन है उनको बढ़ा रही है तो फेडरलिज्म इस तरह से अफेक्ट हो रहा है ये तो हो गई प्रायर पेंडेमिक की बात लेकिन ड्यूरिंग द पेंडेमिक ऑल्सो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी देखी गई जिसके कारण फेडरलिज्म जो है वो अफेक्ट हुआ है जैसे कि यहाँ पे पहली चीज जब कोविड से लड़ना था हमको तो जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो भी मैनेजमेंट है वैक्सीनेशन है ये सब

इसके बाद यहाँ पे जब सेकंड वेव आई जब सेंटर uh, को लगा कि अब हम यहाँ पे सेकंड वेव को काउंटर नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने स्टेट्स के ऊपर डाल दिया कि हेल्थ जो है दैट इज द मैटर ऑफ स्टेट्स लेकिन पहले जब आप इसको कर्व करने की कोशिश कर रहे थे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा रहे थे तब तो आपने ये नहीं बोला था ठीक है तो आपको इसको एक पॉजिटिव वे में लिखना है और राइट इसके बाद यहाँ पे स्टेट की ऑटोनॉमी कई सारे एक्ट्स के कारण कई सारे बिल्स के कारण भी नीचे हुई है टिक डिग्रेड हुई है जैसे कि फार्मर्स जो फार्म लॉस थे हालांकि इनको अब रिपील कर लिया गया है लेकिन इसमें कई सारे ऐसे प्रोविजन थे जो स्टेट की पावर को डिग्रेड करते थे इसके अलावा एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ठीक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट आया था 2020 का अच्छा इससे रिगार्डिंग मुझे एक मेल भी आया था शायद शिवानी का था का था वो तो इसमें आ, मैंने उस दिन आपको एक दिन कोऑपरेटिव्स हमने डिस्कस किए थे ठीक है कोऑपरेटिव्स में आपको ये समझने की जरूरत है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव्स हैं ठीक है

लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनकी पावर्स बढ़ेगी और जो इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट है उसकी पावर घटेगी ठीक है यानी कि गवर्नमेंट की डेफिनेशन ही बदल दी गई थी इस आ, इस एक्ट में नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट एक्ट में इसके अलावा कई सारे और भी बिल आए जैसे मरीन फिशर्स बिल आया इलेक्ट्रिसिटी बिल आया डैम सेफ्टी बिल आया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई ठीक है तो इन सब में जो स्टेट्स की पावर हुआ करती थी अब वो अब उतनी नहीं रही है कम कर दी गई है इसके अलावा एक मिनिस्ट्री बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव एंड रिजर्व बैंक जो था इसके पास सारे इसके रेगुलेशन दिया गया ठीक है तो ये सारी चीजें बताती है कि स्टेट्स की पावर को कम करने की कोशिश चल रही है इसके अलावा टैक्स कलेक्शन की हम बात करें कि टैक्स कलेक्शन के थ्रू यहाँ पे आ, जो भी टोटल टैक्स कलेक्शन होता है देखो आपको पता होगा फाइनेंस कमीशन क्या करती है फाइनेंस कमीशन क्या करती है टोटल मान लो ये हंड्रेड रुपीज टैक्स कलेक्ट हुआ ठीक है तो फाइनेंस कमीशन बताती है कि सेंटर जो है वो इतना पार्ट रखेगा इस टैक्स कलेक्शन का और इतना पार्ट स्टेट को देगा ठीक है इसको हम कहते हैं डिविजिबल पूल मतलब ये जो है हंड्रेड रुपीज डिविजिबल पूल है यानी कि इसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कुछ टैक्स होता है जैसे जो सेस और सरचार्ज के थ्रू यहाँ पे मिलता है वो पूरा का पूरा किसका होता है यूनियन का होता है उसको डिविजिबल पूल में नहीं रखा जाता वो नॉन डिविजिबल पूल होता है यानी कि इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता सिर्फ इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो हंड्रेड रुपीज़ डिविजिबल पूल में है ठीक है तो टैक्स कलेक्शन के दौरान क्या देखा गया कि जो नॉन डिविजिबल पूल है उसको बढ़ाया गया ठीक है मतलब टैक्स रेवेन्यू जो आ रहा है उसमें जो नॉन डिस्ट्रीब्यूटरी वाला जो पोर्शन है जो ये जिसकी से, सेस और सरचार्ज की हम बात कर रहे थे इसको बढ़ा दिया गया यानी कि रेवेन्यू जो है सेंटर के पास तो बढ़ा है लेकिन स्टेट्स के पास घटा है ठीक है पहली चीज ये दूसरी चीज ये सेस कैसे लगाया गया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्म में डेवलपमेंट सेस के फॉर्म में ये सब लगाया गया ओके यहाँ पे कुछ डाटा भी दिया हुआ है जैसे कि पहले जो नॉन डिविजिबल पूल हुआ करता था ये लगभग ट्वेल्व टू थर्टीन परसेंट हुआ करता था अब जो है ये एक साल में लगभग ट्वेंटी थ्री परसेंट हो गया है तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है नॉन डिविजिबल पूल तो बेसिकली यहाँ पे जो नुकसान हो रहा है वो स्टेट्स को हो रहा है ठीक है इसके अलावा यहाँ पे जो डिविजिबल पूल जो था उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था जैसे कि कई सारे सेक्टर्स हैं जैसे पेट्रोलियम सेक्टर है एक्सट्रेकर वगैरह जो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं पहले क्या होता था कि पहले यहाँ पे थर्टी जो था सॉरी पहले फिफ्टी फिफ्टी परसेंट यहाँ पे पेट्रोलियम में कंट्रीब्यूशन होता था सेंटर और स्टेट का अब जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो सेंट, आ, सेंटर का रह गया है यानी कि सेंटर यहाँ से ज्यादा रेवेन्यू कमा पाएगी इस सेक्टर से भी ठीक है तो कुल मिला के यहाँ पे रेवेन्यू की पूरी बात है दूसरी चीज जीएसटी में हमने देखा कि जीएसटी में यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा था कि स्टेट जो है वो जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर लें जो भी उनको सर्विस टैक्स वैट वगैरह का नुकसान हो रहा है उसको हम कंपनसेशन देख तुम्हारा भुगतान कर देंगे लेकिन ये कॉम्पनसेशन में बहुत ज्यादा डिले हो रहा है और इसके कारण जो स्टेट्स हैं उनकी कंडीशन खराब होती जा रही है ओके okay, इसके अलावा देखो कुछ चीजें और भी बताई गई है जैसे कि यहाँ पे जीएसटी कॉम्पनसेशन की बात की गई कि हम आपको देर से दे पाएंगे इसको ऑप्शन दिया गया कि आप चाहो तो हमसे अभी डेट ले लो ठीक है तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे एक तो आप डेट के लिए भी फोर्स कर रहे हो और आप उनको कॉम्पनसेशन भी नहीं दे रहे हो तो ये एक इशू है इसके साथ में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जैसे की चीफ मिनिस्टर डिजास्टर फंड जो था चीफ मिनिस्टर डिजास्टर रिलीफ फंड जितना इसको पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और ये बोल दिया कि जो भी इसके अंदर पैसा आएगा वो सी एस आर में काउंट नहीं होगा यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में काउंट नहीं होगा ये जैसे पीएम केयर्स फंड था ना वैसे काउंट नहीं किया जाएगा चीफ मिनिस्टर के डिजास्टर रिलीफ फंड को ठीक है उसके बाद एम पी लेड एक स्कीम चलती है जो कि है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम इसमें क्या होता है हर एमपी को अपने स्टेट में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खर्च करने के लिए डेवलपमेंट करने के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं इसको भी बंद कर दिया गया कि इसमें अलग से पैसे नहीं देंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल के तो इसके कारण क्या हुआ स्टेट्स में जो डेवलपमेंट होना था वो रुक गया ओके okay. इसके बाद यहाँ पे इसके कारण क्या हुआ कि कई सारे स्टेट्स को यहाँ पे बोरो करना पड़ा ठीक है बोरो करने के लिए उनकी जो एफ आरबीएम यानी कि जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है उसमें क्या होता है

तो बिम्स्टेक में देखो कौन कौन सी कंट्रीज है एक तो वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर देखो मैं इसका फुल फॉर्म बता देती हूँ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन ये देखो यहाँ पे देख पा रहे हो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ये इसका फुल फॉर्म है अब देखो बिमस्टेक जो है 1997 में आया था वाया बैंकॉक डिक्लेरेशन ठीक है इसमें चार नेशन थे शुरुआत में इंडिया थाईलैंड बांग्लादेश और श्रीलंका ये चार देश थे इंडिया श्रीलंका बांग्लादेश और थाईलैंड ठीक है ये चार थे इसको आप बिस्ट से याद रख सकते हो ठीक है बाद में जाके इसमें म्यांमार नेपाल और भूटान भी जुड़े तो कुल मिला के सात कंट्रीज हैं जो बिम्स्टेक का पार्ट है ओके तो इसमें पहले इतना ज्यादा जियोपॉलिटिकल वेट इनका हुआ नहीं करता था ऐसा क्यों क्योंकि जो तीन समिट्स हुई है सिर्फ मतलब 20 इयर्स हुए हैं इनके बनने को 1997 से लेके 20 इयर्स हुए तो 2017 तक इसके बीच सिर्फ तीन समिट्स हुई इसके बीच में तो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इसकी उतनी नहीं थी ठीक है अब जो इसको ज्यादा सिग्निफिकेंस मिलने लगी है दैट इज बिकॉज ऑफ सार्क कि सार्क जो है उतना अच्छा काम नहीं कर रही तो सार्क के अल्टरनेटिव के फॉर्म में हम यहाँ पे इसको देख रहे हैं बिम्स्टेक को ओके okay, दूसरी चीज ये कि जैसे बिम्स्टेक को हमने जो ब्रिक्स की हमारी ओवर समिट होती है जो ब्रिक्स एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है तो ब्रिक्स में ओवर रीच समिट होती है आउटरीच समिट होती सबमिट होती है जिसमें आप अपने दूसरे पार्टनर्स को भी बुलाते हो तो उसमें वैसे हम सार्क को बुलाते थे लेकिन अब इस बार हमने बिमस्टेक को बुलाया टू की बात है इसके अलावा यहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी इनकी 2019 की जो swearing in summit थी swearing in जो यहाँ पे इन्होंने ओथ वगैरह ली उसमें भी हम जो अपने गेस्ट हैं उनको इनवाइट करते हैं तो उसमें हमने बिम्सटेक के लीडर्स को बुलाया था ठीक है तो बिम्सटेक की जो हमारी इंपॉर्टेंस है जियोपॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है ओके तो इसमें देखो बिम्स्टेक वाला जो रीजन है इतना मैटर क्यों करता है क्योंकि 22 परसेंट लगभग वर्ल्ड की पॉपुलेशन यहीं रहती है लगभग कंबाइंड जीडीपी जो टोटल बिमस्टेक कंट्रीज है इनकी कंबाइंड जीडीपी लगभग 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स है ओके okay, यहाँ पे कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं लगभग वन फोर्थ ट्रेड जो होता है गुड्स का पूरे वर्ल्ड का वो यहीं से निकलता है बे ऑफ बंगाल से ही निकलता है इसीलिए ये जो कंट्रीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडिया के लिए ओके okay, अब बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए एक तो इनक्रीजेंस के कारण है दूसरा ये भी है कि जो रीजन है यहाँ पे लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है इंडिया है ठीक है और इंडिया बहुत स्टेक पे है क्यों क्योंकि तो देखो बिमस्टेक जो है सिर्फ साउथ के साथ नहीं साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी कनेक्ट होता है ग्रेट हिमालय और बे ऑफ बंगाल के साथ भी कनेक्ट होता है तो एक तो कनेक्शन इसका इंडिया के साथ बहुत तगड़ा है इसके बाद इंडिया ने अभी नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट पॉलिसीज अपनी निकाली है तो वो इसी की लाइन पे है इसके बाद एक चीज ये भी है कि हमारा की इंगेजमेंट जो है इसके साथ बिम्स्टेक के साथ वो इसीलिए भी क्योंकि हमारे लोगों की यहाँ पे स्ट्रोंगर कनेक्टिविटी है लगभग तीन मिलियन पीपल है जो यहाँ पे इंडिया कि जैसे जो देखो ऑलमोस्ट मिलियन पीपल और रफली वन क्वार्टर ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव इन फोर कोस्टल स्टेट्स स्टेटिंग टू बे ऑफ बंगाल तो लगभग जो वन फोर्थ पॉपुलेशन है इंडिया की वो इन कोस्टल स्टेट्स में रहती है जो कि बे ऑफ बंगाल को टच करते हैं इसीलिए हमारा आस के देशों के साथ अच्छे रिलेशन होना जरूरी है स्ट्रेटेजिक परसपेक्टिव से देखें तो बे ऑफ बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है क्योंकि इससे अच्छा खासा ट्रेड गुजरता है मलक्का का जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक तरह से हम चाइना को काउंटर करना चाहते हैं अगर तो आसपास के देशों के साथ हमको अच्छे रिलेशन निभाने पड़ेंगे ओके okay, उसके बाद यहाँ पे जैसे जैसे चाइना जो है अपनी अग्रेसिवनेस बढ़ाता जा रहा है वैसे वैसे बे ऑफ बंगाल रीजन जो है इसकी वेलरेबिलिटी बढ़ती जा रही है और ऐसे में इंडिया कैन बी अ रिस्पॉन्सिबल नेशन विच कैन टेक टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस बे ऑफ बंगाल रीजन और वो कैसे कर सकते हैं थ्रू बिमस्टेक ठीक है तो इसीलिए

देन एक नया वायरस आया है विच इज इन्फेक्टिंग पपीज ठीक है जो डॉग्स हैं पपीज हैं उनको इन्फेक्ट कर रहा है पैरवो वायरस ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ है 200 पेट और स्ट्रीट डॉग्स जो हैं अमरावती सिटी में उनको देखा गया कि पैरवो वायरस हो गया है ठीक है तो पैरवो वायरस क्या है तो एक हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिसीज है ठीक है वायरल है हाईली कॉन्टेज है पपीज़ और डॉग्स को ये अफेक्ट कर रहा है इसके अलावा ये इंटेस्टाइनल ट्रैक्स को जो है केनाइंस को इनको अफेक्ट कर रहा है ठीक है इसके कारण क्या हो रहा है कि ब्लडी डायरिया हो रहा है उसके अलावा वॉमिटिंग हो रही है वेट लॉस बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है लिथार्जी हो, हो रही है इसका और एक सीरियस थ्रेड बन गया है ये ठीक है इस वायरस को किल करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि एक बहुत लंबे समय तक एनवायरमेंट में रहता है और ये फैलता बहुत जल्दी है ठीक है बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है अभी ट्रांसमिट कैसे होता है या तो इन्फेक्टेड डॉग के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आया

वैक्सीनेशन नहीं हो पाया रेबीज का लिए वैक्सीनेशन नहीं हो पाया स्ट्रीट डॉग्स का भी तो इसके कारण भी पैरवो वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है ठीक है तो स्ट्रीट डॉग्स और पेट डॉग्स दोनों के लिए यहाँ पे जो था वैक्सीनेशन प्रॉपरली नहीं हो पाया और पेंडेमिक के दौरान एक तरह से निगलेक्टेड रही है इसीलिए यहाँ पे ये यह पैरवो वायरस बहुत बढ़ गया है अब इसका कोई क्योर नहीं है ओके okay? और इसके इन्फेक्शन से लड़ने के लिए सिर्फ कुछ मेडिसिन वगैरह आप सिमटोमेटिक बेसिस पे दे सकते हो लेकिन कोई क्योर इसका नहीं है एंड दिस मेक्स इट अ वेरी सीरियस डिसीज ओके अब देखो यहाँ पे पैरवो वायरस का हमने डिस्कस किया ये फीकल ओरल रूट से फैल सकता है इन्फेक्टेड डॉग से कॉन्टेक्ट में आने के से फैल सकता है ये सब इसके सिम्टम्स है शन कैसे हो सकता है जब आप कंपल्सरी वैक्सीनेशन कराओ छह से आठ वीक में करा दो. इसके अलावा, जो दूसरे है, उनको, उनको भी जो फीसेज हैं ना पप्पी के उनको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए ठीक है सो दैट इंटेस्टिनल पेरासाइड जो है वो दूसरे डॉग्स तक ना फैले ओके तो ये सारा इशू था अबाउट द पैरवो वायरस राइट इसके आगे देखो

तो यामीन जो है अब्दुल्ला यामीन वो अब बाहर आ चुके हैं और इन्होंने यहाँ पे इंडिया आउट स्टार्ट कर दिया है तो बेसिकली क्या हुआ रहा है कि यहाँ पे ये यह जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है इनकी जो पॉलिसी थी जब ये यह यहाँ के प्रेसिडेंट थे तो इनकी पॉलिसी इंडिया के अगेंस्ट हुआ करती थी चाइना की तरफ इनका इंक्लिनेशन ज्यादा हुआ करता था अब जो हमारे यहाँ के मालदीव के नए प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला सोली तो ये सोली की ये पॉलिसी है कि ये इंडिया की तरफ फ्रेंडली है काफी ठीक है ये चाइना की तरफ उतनी फ्रेंडली नहीं है जितने इंडिया की तरफ है ठीक है तो ये अब क्या है कि सोली के जो गवर्नमेंट है उसको एक चैलेंज देने के लिए इंडिया आउट कैंपेन इन्होंने स्टार्ट किया है अब यामीन ने ठीक है इनका ये कहना है कि आप यहाँ पे इंडिया जो है यहां पे मिलिट्री इंगेजमेंट बहुत कर रहा है और हमारी टेरिटरी में मिलिट्री इंगेजमेंट हो इतनी किसी भी फॉरन कंट्री की इससे चाहे वो इंडिया हो चाइना हो हमको ये बर्दाश्त नहीं है और इसको लेकर यहाँ पे इन्होंने कैंपेन स्टार्ट कर दिया इंडिया आउट कैंपेन लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है सोली गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि ये सब कुछ नहीं है ये सिर्फ पॉलिटिकल गेम्स के लिए कुछ इंडिविजुअल से खड़े हो गए लेकिन हमारी गवर्नमेंट हमारा देश ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि इंडिया हमारा दुश्मन है हम बिल्कुल भी इंडिया आउट कैंपेन को यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते हैं इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया इज द मोस्ट इंडिया इज द मोस्ट ट्रस्टेड एंड क्लोजेस्ट अलाय ऑफ मालदीव ये भी कहा है इन्होंने तो ठीक है तो इन्होंने बोला कि ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है और इंडिया हमारे लिए काफी ट्रस्टेड अलाय है इनफैक्ट इंडिया जो है हमारी कई सारी केसेस में मदद करता आया है कई सारा सपोर्ट करा है इंडिया के इंडिया ने मालदीव के लोगों को तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताती है कि गवर्नमेंट का कुछ और टेक है और कुछ इंडिविजुअल्स जो यहाँ पे यामीन लीड लेकर आए हैं तो ये दिखाता है कि इंडिया कितना जरूरी है मालदीव्स के लिए आज की डेट में तो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री कहा गया है मालदीव्स को का मालदीव्स की सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री इंडिया को कहा गया है यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा ठीक है तो कुल मिला के यहाँ पे ये यह बात है कि इंडिया और ये चीज कह रहे हैं यहाँ के लोग जो इस इंडिया आउट कैंपेन को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हमारी इंडिया से या इंडिया के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है इनफैक्ट हम तो इंडिया के काफ़ी ज़्यादा फैन हैं इंडिया की बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ हमारा काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है इंडिया की सॉफ्ट पावर मालदीव में काफ़ी अच्छी है हमारा सिर्फ यहाँ पे जो इशू है दैट इज रिगार्डिंग द मिलिट्री प्रेजेंस ऑफ इंडिया इन दिस टेरिटरी इन मालदीव टेरिटरी तो यहाँ पे कुल मिला के इन्होंने ये कहा है लेकिन अब ये देखना जरूरी है कि चाइना फैक्टर भी यहाँ पर इन्वॉल्व है या नहीं है

मालदीव की जो गवर्नमेंट है वो क्यों इंडिया को मिलिट्री तरह से मिलिट्री फ्रंट पेयर पे इन्वॉल्व होने दे रही है मालदीव में तो ये पूरा इशू था हमने डिस्कस किया एक बार देख लेते हैं मालदीव इतना जरूरी क्यों है तो देखो ये तो है इंडिया ये नीचे आपको दिख रहा है मालदीव मालदीव की लोकेशन मैप में जरूर देखना अभी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो यहाँ पे की शिपिंग लेन्स बहुत सारे शिपिंग लेन्स लाया करते हैं कोरल आइलैंड है यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी सप्लाईज के लिए बहुत जरूरी है मालदीव दूसरा यहाँ पे चाइना जो है इन्होंने अपने नेवल शिप्स को बिठाना चालू कर दिया है तो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स को हर्ट कर सकता है इन चाइना जो है अपनी हजमनी बढ़ाना चाहता है इंडियन ओशन में और इसीलिए मालदीव के ऊपर काफी ज्यादा ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है इसके अलावा एक तरह से नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह काम कर रहा है यहाँ पे मालदीव क्योंकि यहाँ पे एक बफर स्टेट की तरह काम कर रहा है ना तो इंडिया अगर मालदीव के साथ कोऑपरेटिव कोऑपरेट करता है तो सिक्योरिटी और डिफेंस सेक्टर में हमारे हमको एज मिल पाएगी इसके अलावा चाइना का जो इकोनॉमिक प्रेजेंस है मालदीव्स में बढ़ रहा है विच इज अ ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया साथ में चाइना जो मालदीव्स की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो इंडिया के साथ कनेक्टेड है ठीक है अभी यामीन जो है इन्होंने भी एक ये जो इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट कर दिया है उसको भी कर्व करना हमारे लिए जरूरी है देन मालदीव्स जो है वो सार्क का भी मेंबर है तो सार्क हमको पता है कि इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हालांकि काफी टाइम से डोरमेंट है ये लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे लिए ठीक है पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़े होने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है उसके अलावा यहाँ पे रेडिकलाइजेशन जो है बहुत बढ़ रहा है मालदीव में यामीन के अंतर्गत यहाँ पे जो रेडिकलाइजेशन था बहुत बड़ा था जो की एक बहुत बड़ा कॉज हो सकता है इंडिया में टेंशन के लिए भी क्योंकि इंडिया में ही आएंगे सब लोग यहाँ पे माइग्रेट करके इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का फर्क यहाँ पे भी पड़ेगा तो ये भी एक कारण है जिसके कारण हमको मालदीव पे एक तरह से यहाँ पे कॉपरेट करने की जरूरत है मालदीव्स को साथ में लेके चलने की जरूरत है इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ एथनिक लिंग्विस्टिक और कल्चरल टाइज भी हैं हमारे यहाँ पे साथ में कई सारे नेशनल्स हैं इंडियन नेशनल्स डायस्पोरा जो है इंडिया का वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है मालदीव में लगभग पच्चीस हजार इंडियंस जो है वो यहाँ एग्जिस्ट करते हैं टूरिज्म भी हमारा जो है इंडिया का टूरिज्म जो है काफी ज्यादा मालदीव्स के कारण है मतलब मालदीव्स जो है उल्टा बोल दिया मैंने मालदीव्स का काफी सारा टूरिज्म इंडियन के कारण भी चलता है जैसे छह परसेंट जो है टूरिस्ट जो है कुल मिला के इंडिया के वो मालदीव जाते हैं हर साल उसके बाद यहाँ पे इंडिया जो है एक प्रिफोर्ड डेस्टिनेशन है मालदीव मालदीवियंस के लिए एजुकेशन के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रिक्रिएशन बिजनेस के लिए तो कई सारे मालदीवियंस जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं इंडियन एजुकेशन में इंडियन मेडिकल ट्रीटमेंट में रिक्रिएशन में इन सब में ठीक है तो इन सभी कारण के कारण मालदीव एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है इंडिया के लिए ओके okay. इसके अलावा इसकी लोकेशन एक बार देख लो ये है इंडिया हमारा ठीक है इंडिया के नीचे ये देखो ये है माले मालदीव तो ये इतने सारे जो है ये दिख रहे हैं ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को दिखाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या चाइना की पॉलिसी है जिसमें चाइना एक तरह से इंसर्कल करने की कोशिश कर रहा है इंडिया को तो इसकी लोकेशन आप जरूर देखना मैप में ओके okay. आगे बात करते हैं एथिक्स डोज की आज तो देखो ये जो है वैसे तो एटीन दिसंबर का है मैंने दिसंबर को ही यहाँ पे स्क्रीन शॉट लेके रखा था लेकिन क्योंकि लेक्चर लंबे हो रहे थे इसलिए मैंने बताया नहीं था लेकिन ठीक है तो देखो यहाँ पे क्या है कि एक नया केस स्टडी सामने आई है एक एग्जाम्पल सामने आया जिसमें क्या है केरला के स्कूल हेडमास्टर खुद केरला के स्कूल हेडमास्टर ने यहाँ पे टैक्सीज ड्राइव करना ये जो है इस तरह के वैन्स ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया है फॉर द स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ कोविड के बाद कई सारे पेरेंट्स जो थे बहुत रूरल एरिया में ये स्कूल है ठीक है यहाँ पे कई सारे पेरेंट्स जो थे ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो गया ठीक है तो पेरेंट्स जो थे वो खुद छोड़ने या लेने आते थे स्टूडेंट्स को धीरे धीरे क्या हुआ कि स्टूडेंट्स का जो अमाउंट था स्टूडेंट्स का जो दम्बर था वो कम होने लग गया क्योंकि जो इनके पेरेंट्स है वो डेली वेज वर्कर्स थे तो वो अपने काम पे जाते थे जो बच्चे हैं उनको स्कूल नहीं छोड़ पाते थे अफोर्ड नहीं कर पाते थे इतनी दूर स्कूल में छोड़ना लेना ठीक है तो यहाँ पे हेडमास्टर ने देखा कि यहाँ पे जो काउंट है वो कम होता जा रहा है स्टूडेंट्स का तो इन्होंने खुद से Uh, यहाँ पे ये जो वैन है वो चलाना शुरू करी और खुद से ये आफ्टर स्कूल एंड बिफोर स्कूल स्टूडेंट्स को पिक एंड ड्रॉप करते हैं ठीक है तो ही वेंट बियॉन्ड द कॉल ऑफ हिज ड्यूटी ठीक है तो दिस कैन बी कोटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ एथिक्स इन पब्लिक लाइफ आप पब्लिक लाइफ में एथिक्स कैसे होने चाहिए इसको आप यहाँ पे कोट कर सकते हो गुड एटीट्यूड विद गुड एप्टीट्यूड ही इज एन हेड ठीक है ये टीचर हैं तो इनका गुड एप्टीट्यूड तो है ही लेकिन गुड एटीट्यूड इनका दिखाता है कि किस तरह से ये एक्चुअल में चाहते हैं समाज में चेंज लाना हाउ ही वॉन्ट्स एजुकेशन टू बी द बिल्डिंग फोर्स बिहाइंड द सोसाइटी ओके okay. उसके बाद ये इन, इनकी इंटीग्रिटी को डेडिकेशन को दिखाते हैं कंपैशन को और पब्लिक सर्विस को दिखाते हैं तो इन सभी में आप यहाँ पे कोट कर सकते हो ठीक है इस तरह के जब भी केस स्टडीज आए तो आपको इस तरह से सिलेबस में से टॉपिक्स निकालने की जरूरत है कि, कि किस किस टॉपिक से ये रिलेट हो रहा है ओके okay. तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो इस केस स्टडी को इन दिस एथिक्स और राइट सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे और मैं एक बार देख लेती हूँ कि किसको क्या डाउट है तो उसको भी मैं ले, ले लेती हूँ और उसके बाद हम एंड करते हैं पीडीएफ आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ठीक है पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी पांच दस मिनट के बाद अपलोड हो जाती है ओके okay. उसके बाद टाइम मैनेजमेंट तो देखो धीरे धीरे आएगा आपको सारे टारगेट्स कभी भी पूरे नहीं होते आज तक एक भी दिन नहीं हुआ है जब मेरा कोई भी जब भी जब भी मैंने प्रिपरेशन जितनी भी करी है उसमें एक भी दिन नहीं रहा है जिसमें मेरे डेली टारगेट्स पूरे पूरे खत्म हो गए हो ठीक है तो ऐसा नहीं होता है आपको फिर भी यहाँ पे मोटिवेटेड रहना पड़ेगा टाइम मैनेज आप धीरे धीरे सीख पाओगे ओके okay यहाँ पे आपको कोई भी लिखने की जरूरत नहीं करंट अफेयर्स को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है ठीक है आप यहाँ पे डीएनए को फॉलो करो इसकी पीडीएफ जो है इसको रिवाइज कर सकते हो मंथली मैगजीन की तरफ जा सकते हो लेकिन आई विल रिकमेंड कि जिसको आप डेली फॉलो करो ना उसी को फॉलो करो क्योंकि अलग अलग सोर्सेज की तरफ जा, जाओगे ना तो दिक्कत हो जाएगी हाँ विजन की जैसे मंथली मैगजीन है या किसी भी मैगजीन मैगजीन को आप ऐसे फॉलो कर सकते हो कि देख सकते हो कि आपका कोई टॉपिक तो नहीं छूटा है उसमें से उस जो छूटा हो उसको कवर कर लो और लिखने की कोई जरूरत नहीं नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है सिर्फ एडिटोरियल्स पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके। okay. उसके बाद ठीक है गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में बहुत सारे लोग बता रहे हैं ऑलराइट ठीक right. है सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड डे